है KGF 3 ने। आखिर किसके कहने पर अप्रोच किया गया है इस नए चेहरे को, कहां बिजी है KGF 3 के डायरेक्टर। बॉलीवुड की बॉक्स ऑफिस पर हंगामा क्रिएट करने वाली जो मूवी है वो है प्रशांत नील की डायरेक्शन में बनी हुई फिल्म KGF 2। और KGF 2 की एंडिंग सीन में जब दर्शकों ने इसके पार्ट 3 के हल्के से टीजर को देखा था, तभी से अंदाजा लगा लिया था कि इसका पार्ट 3 कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। तभी से बेहद फैंस इसके इंटरेस्टिंग पार्ट को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। वे सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब इसका पार्ट 3 रिलीज होगा। साथ ही वे चाहते हैं कि इस बार के पार्ट में भी संजय दत्त और रवीना टंडन की तरह ही कोई एक नया किरदार देखने को मिले जो इन सब का दिल जीत ले। संजय दत्त और रवीना टंडन की जबरदस्त एक्टिंग के ग्राफ ने इतने बॉक्स ऑफिस को हिट किया था कि प्रशांत नील तब से ही एक ऐसे एक्टर की खोज में है जो इसी ग्राफ को मेंटेन कर सके। दरअसल इस बार फिल्म में एक ऐसे एक्टर आने वाले हैं जिनको डायरेक्टर ने खुद अप्रोच किया है। वे खुद चाहते हैं कि वे उन्हें इस फिल्म में देखें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन की। ऋतिक रोशन इस फिल्म में अगर आएंगे तो इस फिल्म का ग्राफ अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। अब उन्हें इस फिल्म में लाने के लिए डायरेक्टर साम दाम दंड भेद करने को भी तैयार है। देखना ये होगा ऋतिक हाँ करते हैं इस फिल्म में आने के लिए या नहीं। अब आप सभी के मन में ये क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा, कैसे डायरेक्टर को सूझी ऋतिक रोशन को इस फिल्म में लेने, किसने उन्हें ऋतिक को सजेस्ट किया। तो जी हाँ, इन सभी सवालों का एक ही जवाब है, सुपरस्टार यश। फिल्म के अंदर सुपरस्टार यश ने ही बहुत से कैरेक्टर्स को डिसाइड किया था और इस बार भी उन्होंने ही ऋतिक रोशन को चूज करने के लिए अप्रोच किया। उन्होंने कहा, हमें फिल्म को बेहद एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग बनाना है, इसीलिए ऋतिक को इस फिल्म में जरूर लाना होगा। साथ ही आपको बता दें, यश भी ऋतिक रोशन के बहुत बड़े फैन है। जी हाँ दोस्तों, यश ऋतिक रोशन को एडमायर करते हैं। साथ ही उनका मानना है कि एक्टिंग के करियर में ऋतिक रोशन से बेस्ट एक्टर कोई नहीं है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि ऋतिक रोशन ने KGF 2 के अंदर यश की एक्टिंग को अप्रिशिएट किया था और यश को KGF 2 की सुपरहिट पर बधाई भी दी थी। अब देखना ये होगा क्या इस मूवी के लिए हाँ करते हैं ऋतिक रोशन। ये तो वक्त या फिर डायरेक्टर प्रशांत नील ही बता सकते हैं। जानने के लिए जुड़े रहना होगा आपको हमारे चैनल के साथ। KGF 3 के सभी फैंस के लिए एक डिसअपॉइंटमेंट ये है कि ये फिल्म अब 2025 में रिलीज होगी। इतनी लेट क्यों रिलीज हो रही है ये फिल्म? जी हाँ दोस्तों, फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील एक और नई फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं। उस फिल्म का 30 से 35 पार्ट ही शूट हुआ है। दरअसल हम बात कर रहे हैं सलार फिल्म की। इस फिल्म का 30-35% ही शूट हो पाया है, जिसके कारण इस फिल्म की पूरी शूटिंग बाकी है। डायरेक्टर इस बार इस फिल्म की शूटिंग पर फोकस कर रही हैं ताकि वो बाद में KGF को शूट कर सके। अब देखना ये होगा रवीना टंडन और संजय दत्त की जोड़ी के साथ इस फ्रेंचाइज में जब KGF के अंदर ऋतिक रोशन शामिल होते हैं तब कितनी हिट होती है ये फिल्म। जानने के लिए जुड़े रहना होगा आपको हमारे चैनल के साथ। KGF के लिए इंतजार तो थोड़ा लंबा है, लेकिन हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम आपको बॉलीवुड, टॉलीवुड और हॉलीवुड से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरें प्रोवाइड करेंगे। जाने से पहले हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी थी KGF 2, आपको कैसे लगते हैं ऋतिक रोशन। कमेंट में आंसर देना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। लाइक करें हमारी वीडियो को और सब्सक्राइब करें बॉलीग्राड स्टूडियोज को।